मैं आपको खुद अपना तजर्बा बताता हूँ कि सन 1978 में, यानी आज से तकरीबन 38 साल पहले, मुझे सबसे पहले अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ। उस वक्त 1978 में सबसे पहले मैं अमेरिका गया था और एक मुसलमान तंजीम की दावत पर गया था। मुसलमान तंजीम का उस वक्त, बहुत सी मुसलमान तंजीमों का एक वफाक था जिसने हमें दावत दी थी। तो जब मैं उस तंजीम में पहुंचा और उसका सालाना कन्वेंशन था, उसमें हाजिरी हुई, तो सबसे पहले तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जब शाम को दावत का एहतमाम किया गया तो उसमें कहीं दूर दूर हाजरीन के अंदर इस्लाम और दीन का कोई शायबा नज़र नहीं आता। ख्वातीन और नौजवान लड़कियां वो मर्दों के साथ और नीम बरहना लिबास में बैठी हुई थी, और फिर ऐलान यह किया गया कि अगर किसी को हलाल को खाना खाना हो तो मछली इस्तेमाल करें, जिसका मतलब यह था कि खाने में हलाल का भी कोई फिक्र नहीं थी। वहाँ बैठना मुश्किल हो गया, हम लोग कहीं अलग चले गए। उसके बाद मालूम हुआ कि रक्स व सुरूद की ज़बरदस्त महफिल मुनक़िद हुई। एक बोटिंग का प्रोग्राम था, उस बोटिंग के प्रोग्राम में सारा जो प्रोग्राम था वो रक्स व सुरूद की महफिल में गुम होकर रह गया। ये सारे नज़ारे देखने के बाद जब मुसलमान तंजीम जिसने दावत दी थी उसके सरबराह से मैंने शिकवा किया कि भाई आपने, ये मुसलमान तंजीम है और इसमें कहीं दूर दूर भी कोई साहिबा दीन का नज़र नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, किस वजह से आपने ये इस्तेमाल मुनक़द किया है? तो वो लबनानी थे वो साहब जिनसे मैंने शिकवा किया, तो उसके जवाब में उनकी आंखों में आंसू आने लगे और कहने लगे, मौलाना आप सही कहते हैं, लेकिन ये वो कौम है कि जिसके बारे में बस हम इतना चाहते हैं कि ये कम से कम अपने आप को मुसलमान कहती रहे। ये अगर हम ये समझते हैं कि अगर ये सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहती रहे तो ये भी हमारी कामयाबी है, वरना इसको इस्लाम से कोई ताल्लुक़ रहा नहीं। इनके आबाओ अजदाद खाने पीने की तलाश में, तजारत और मईशत की तलाश में यहाँ आए थे, उनको अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की कोई फिक्र नहीं थी। ये इसी माहौल के अंदर पले बड़े हैं और उसके नतीजे में इनको दूर दूर भी कहीं इनके अंदर कोई शायबा दीन का नज़र नहीं आता। हमारा काम सिर्फ यह है कि इनको इस बात पर जमा कर लें कि भाई तुम मुसलमान हो, अपने आप को मुसलमान कहते रहो, वरना इस्लाम की कोई चीज़ इनके अंदर बाकी नहीं रही। यह मंज़र मैंने 1978 में अपनी आँखों से देखा और यह इबरत हुई कि अगर मुसलमानों ने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सही तालीम और तरबियत देने की तरफ तवज्जो न दी तो अल्लाह बचाए, ये इस बात की का अंदेशा है कि अल्लाह बचाए जो आने वाली नस्लें हैं वो, अल्लाह बचाए, मुर्तद ना हो जाए। और अगर खुदा ना करे हमारी इस बेतवज्जोही और गफलत की वजह से ऐसा हुआ कि हमारी नई नस्लें गुमराह हुई, गलत रास्ते पर गईं, तो उसका वबाल हमारे ऊपर, क्योंकि कुरान करीम का इरशाद यह है कि अय्युहल लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। जहन्नम से बचाना सिर्फ इंसान के लिए अपना फ़र्ज नहीं है कि वो खुद अपने आप को बचाए, बल्कि अपने घर वालों को बचाना भी उसकी अपनी ज़िम्मेदारी। और ये बड़ी शर्म की बात होगी कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमें अल्लाह ताला के फजल व करम से ईमान और इस्लाम की दौलत वरसे में अता फरमाई और हम अपनी औलाद को, अल्लाह बचाए,
गलत रास्ते के ऊपर डालने के जिम्मेदार बने, इससे ज़्यादा शर्म की, इससे ज़्यादा नुकसान की कोई और बात नहीं हो सकती। लिहाजा ये मसला जिस अहमियत के साथ तवज्जो का मोहताज है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है, अब हालात में तब्दीली आ रही है, ख़ास तौर से इंग्लैंड में और अमेरिका में भी अब बहुत मुसलमानों को इस तरफ तवज्जो हुई है, इदारे कायम हो रहे हैं। लेकिन जिस पैमाने पर ज़रूरत है उस पैमाने की अभी तक कमी है, और इसका वाहिद इलाज यही है कि जिस जिस के दिल में भी ये दर्द है वो दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह भी हो सके वो ऐसे इदारे कायम करने की कोशिश करें, उन इदारों के साथ तआवुन करें, उसमें